दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम निकले हैं। आज मैंने अपनी बेटी का रजिस्ट्रेशन करवाया कल, और आज उसका वैक्सीनेशन है सेवा सदन हॉस्पिटल में। तो मैं वहीं आई हूँ, और मैं आप सबसे भी बोलना चाहूँगी, प्लीज़ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बोला था कि वैक्सीन लगवा लीजिए, इसके लिए आपको ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, और इसके लिए हम सबको आगे आना चाहिए। तो मैंने अपनी बेटी का भी कराया है, आज मैं उसको लेकर आई हूँ वैक्सीनेशन के लिए। आइए उसकी राय भी जानेंगे, उसको कैसा लग रहा है। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मैं आज वैक्सीन लगवाने के लिए गई थी अपनी बेटी का, और लग गया है वैक्सीन। उसे थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो घर आ गए हम, क्योंकि यहाँ पे भी, हमारे यहाँ भी वाराणसी में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। बहुत डर लग रहा है बाहर निकलने में, ज़रूरी काम है तभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, और अब मैं घर आ गई हूँ। तो मैं बोल रही थी कि उसके बारे में बेटी कुछ बोलेगी कि कैसा लग रहा है। वहाँ नहीं बोली, बोली मम्मी नहीं, यहाँ भीड़ है, आप घर चलिए, घर में बता दूँगी। तो आज मैं अपनी बेटी से आप लोग को मिलवाऊँगी। आपका नाम क्या है? श्रुति गुप्ता। कैसा लग रहा है आपको वैक्सीन लगवाने के बाद? अच्छा महसूस हो रहा है वैक्सीन लगवाने के बाद। क्या कोई संदेश देना चाहेंगी अपने क्लास के बच्चों को, अपने फ्रेंड को? हाँ बिल्कुल संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि मेरे उम्र के जो लोग हैं वो वैक्सीन या इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है उन्हें, तो उन्हें इससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारी सेफ्टी के लिए है, इसे लगवाना चाहिए आगे आके। और जैसे कि अब मैंने वैक्सीन लगवा ही ली है, तो मैं अपने क्लास के बच्चों को बता सकती हूँ कि मैंने लगवाई है और मुझे कोई इसका साइड इफ़ेक्ट हुआ नहीं है अभी तक, तो वो भी क्या बता, मुझसे प्रोत्साहित होकर लगवाएं वैक्सीन। और कुछ संदेश देना चाहेंगी? हाँ, जैसे ओमिक्रॉन के केसेस अभी बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो लोगों को मास्क लगाना चाहिए जो लोग अब बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। लोगों को ये अफवाह लग रहा है, तो इसका अफवाह नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोरोना के केसेस फिर बढ़ रहे हैं। थैंक यू। वेलकम। मैं बेटा आपका श्रेयांश गुप्ता। कैसा लग रहा है आपकी दीदी को वैक्सीन लगा है? एकदम अच्छा लग रहा है। और क्या संदेश देना चाहेंगे दूसरे बच्चों? और लोग को भी लगे वैक्सीन, और खुशी से लगाए वैक्सीन, और हमें भी लगे। आप कितने साल के हैं? 13+। और अभी इस समय कोरोना बढ़ रहा है, तो उसके लिए आप किसी को कोई एडवाइस देना चाहेंगे, सुझाव? हाँ, मास्क लगाए, घर पे जाके हाथ सैनिटाइजर करें, और साबुन से हाथ धोए, हाथ पैर धोए, और मुंह भी धोए साबुन से। और कुछ? मास्क भी धुल के रखे बाहर जाते समय। और कोई एडवाइस? बस थैंक यू। वेलकम। बताइए बेटा, आपको आज वैक्सीन लगा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया था कि 3 तारीख से इसका रजिस्ट्रेशन होगा, तो इसके बारे में मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे समझाओ, और अपने साथ के बच्चों को, अपने देश के बच्चों को, कि सब आगे आके और वैक्सीन लगवा लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू से डैट द वैक्सीन इज नॉट हार्मफुल, सो एवरीवन शुड गो एंड टेक वैक्सीन। एज आई स्टडी इन क्लास 9, so all my classmates and my friends also have to take vaccines, because as we know that Omicron is spreading very much, and for precaution we have to take vaccines, and also not wearing masks properly, so we have to maintain that also, and yes, maintain proper social distancing and proper sanitation at places. Thank you beta. Welcome. जैसा कि आप लोगों ने सुना फ्रेंड्स अभी, कि मेरे बच्चों की मन की बात, और वो बहुत खुश है। छोटे वाले बेटे को भी लग रहा है कि हम लोग के लिए भी आ जाए, कि हम लोग भी लगवा लें, और मैं भी यही चाहूँगी कि हमारी साइंस ने, हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी तरक्की कर ली है, वो दिन रात लगे हुए हैं कि अब इन बच्चों के लिए भी आ जाए, और उनकी मेहनत सफल हुई है। ऐसी बात नहीं है, उनकी मेहनत ही सफल हुई है, जो हम लोग सुरक्षित हैं आज भी, सुरक्षित हैं। और मैं यही बोलूँगी आप सब से, प्लीज़ 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 आगे आके वैक्सीन लगवाएं, डरे नहीं। और 100 बातों की ये बात, एक बात कि अगर हम ही लोग डरेंगे, तो फिर हमारा देश कैसे सुरक्षित होगा?
तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि मैं अपनी बेटी का कल करवा के रजिस्ट्रेशन तुरंत मिल गया था आज का, और आज लगवा के ले भी आई हूँ, और अभी वो बिल्कुल ठीक है। और आप लोगों से बात भी की है, बाहर में बहुत भीड़ था इसीलिए हम लोग घर आके बात किए हैं, और आज थोड़ी तबीयत सही नहीं है। और मैं एक और बात बोलूँगी कि अगर कोई वैसे डालते हैं, या बहुत से लोग अजीब सा वीडियो बना के डालते हैं, उस पे लोग इतना कमेंट करेंगे, इतना लाइक शेयर और मतलब उसको सब्सक्राइब करेंगे। और मैं अपने मन के विचार, मैंने पहले ही कहा, मैं कुछ लिख के, मैं किसी और के द्वारा कुछ नहीं बोलती, मैं अपने विचार को ही बताती हूँ, जैसा मेरी सोच है, जैसी मेरी आवाज़ है उसी आवाज़ में। तो प्लीज़ मैं चाहूँगी आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ प्लीज़ मैं आप लोग से पर्सनली रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे जितने भी फैंस हैं उन सब से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। मैंने लिंक डाला हुआ है अपने आईडी पे, और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और आप लोग का इतना प्यार मिला, फिर से एक बार आप सबका धन्यवाद, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझे इतना ही प्यार देते रहिए, और मैं फिर नए सोच विचार के साथ, अगर मुझे मिलता है समय तो मैं बाहर का भी दिखाऊंगी, और जैसा भी होगा मैं आप लोगों से संपर्क में रहूंगी। डेली व्लॉग करती हूँ तो कभी बीच में रह जाता है, तो ऐसा होता है कि या तो मेरी तबीयत ठीक नहीं, या घर में थोड़ी सी बच्चों को लेकर के, या कोई और प्रॉब्लम है, इसकी वजह से नहीं डाल पाती हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है। हर हर महादेव।